नमस्कार, गौरा नीटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस तरह का नीटिंग पैटर्न बनाएंगे और इसमें जो ये जाली बनी है उसके ऊपर जो ये फ्लावर है इसको हम जो है ऊन, ये तो मैंने ऊन से बनाया है पर हम इसको एंकर थ्रेड से भी बना सकते हैं। इस पे हम एंकर थ्रेड का यहाँ पर यूज करेंगे। तो चलिए इस डिजाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि इस तरह से बॉर्डर कंप्लीट कर लेनी होगी। यहाँ पे मैंने कुछ सिलाई लगाई है पर आप जिस भी स्वेटर पे ये बनाओगे उसके लिए आपको क्या करना होगा कि पहले अपनी बॉर्डर कंप्लीट कर लेनी होगी, उसके बाद जो है हम यहाँ पे अपनी जाली डालना स्टार्ट करेंगे। तो इसके जो आपकी स्वेटर होगी उसके सेंटर का आपको फंदा ले लेना है। जैसे ये हमारा सेंटर का फंदा हो गया, निडिल हो गई। तो क्या करना है हमें, इसके साइड वाला लेफ्ट साइड का जो फंदा होगा उसको हम ले लेंगे अपनी राइट निडिल में और इसे यूँ वापस ले जाएंगे इस तरह से। और जो पीछे हमारी नीडल है हम उसे आगे करेंगे, फिर दो सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। ये देखिए जाली बन गई हमारी। अब जो जाली वाला फंदा है उसकी बाईं तरफ का फंदा लेंगे हम। अगर आपको जाली यूं तिरछे में डालनी है लेफ्ट साइड की तरफ तो हमें लेफ्ट साइड से फंदे लेने होंगे, तो हम ले लेते हैं। ये जाली के ऊपर वाला फंदा नहीं लेंगे हम, इसकी बाईं तरफ का जो फंदा है लेफ्ट साइड का उसको छोड़ के उससे आगे की बाईं तरफ की निडिल को लेंगे, उसके फंदे को लेंगे और फिर राइट हैंड निडिल पे यूं लेके वापस चले जाएंगे। ये देखिए, तो हमारी जो जाली होगी तिरछी हो जाएगी। पीछे की निडिल जो है उसे आगे करेंगे, फिर दो सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से, एक दो दो हमारी जाली हो गई। अब हम फिर से ऐसी करेंगे, जो ये हमारी जाली है इसकी बाईं तरफ पहला और दूसरा, दूसरे फंदे को लेंगे बाईं तरफ से, उसे राइट साइड की निडिल में ले लेंगे, राइट निडिल का जो फंदा होगा उसको भी लेके हम फिर से वापस लेफ्ट साइड निडिल में इसको ले लेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से भी हमें अपनी जो जाली है वो स्टार्ट करनी है। तो जो हमारा ये जाली वाला फंदा है इसे छोड़ के 1 2 3 तीसरी जो निडिल है उसके फंदे को लेंगे हम बाईं तरफ की निडिल में और इन्हें फिर वापस राइट हैंड साइड ले जाएंगे यूं। पीछे हमारी जो निडिल है उन्हें आगे करेंगे, फिर दो सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब यहां हमें ऐसे ही करना है। ये तिरछी जो जाली लेनी है हमें, जो जाली वाला फंदा है उसे हम काउंट नहीं करेंगे, उसकी बाईं तरफ जो है इस फंदे को छोड़ के उसकी जो बाईं तरफ का फंदा है वो हम इस तरह से लेंगे। तिरछी जाली चाहिए यूं, ये हो गया। अब इस जाली पे भी हमें यूं तिरछी चाहिए, तो जो जाली वाला फंदा है इसको छोड़ के 1 2 दूसरा फंदा ले लीजिए। अगर आप इसको काउंट करते हो जाली वाले फंदे को तो 1 2 3 तीसरा हो गया। तो इसे हम लेंगे बाईं तरफ, फिर इनमें दो फंदे जो हो गए उनको वापस ले जाएंगे दाईं तरफ, पीछे के निडिल आगे करेंगे, दो सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे दो जाली हो गई, हमें एक और जाली चाहिए। और यहाँ पे ये जो जाली है हमारी ये भी हमारी तिरछी बनते हुए जाएगी, तो 1 2 3 तीसरे को यूं ले लिया हमने ऐसे। अब जो इस साइड की जाली है हमारी इसमें हमें तीसरा फंदा लेना है। जाली वाले को काउंट करते हुए चलेंगे 1 2 3 तीसरे फंदे को दूसरे फंदे में लिया और इन दोनों फंदों को एक साथ राइट हैंड साइड ले आए हम, पीछे के निडिल से आगे करके फिर दो सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमारी तीन जाली हो गई है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे फिर से ऐसे ही तिरछे में दो और जालियाँ चाहिए, तो 1 2 3 4 5 हो गई। इसे हम ऊपर के लिए कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही। ये जाली बन गई हमारी। अब यहाँ पे जाली बनने के बाद ये तीन हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये जाली बनने के बाद फिर जो ये जाली वाला फंदा हो गया हमारा इसे काउंट करते हुए जाएंगे राइट हैंड साइड 1 2 3 तीसरा ले लिया हमने दूसरे फंदे में और उसको यूं पीछे की जो निडिल है उन्हें आगे करके फिर दो सिलाई लगाएंगे, फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3 तीसरे को दूसरे में लिया इसे वापस ले गए और जो ये हमारी जाली अब बनना स्टार्ट हो रही है इसी जाली को, जो ये जाली वाला फंदा है इसे को हम काउंट करते हुए जाएंगे 1 2 3 तीसरे को ले लेंगे हम दूसरे में
और फिर वापस तीसरी नीडल में ले लेंगे पीछे की नीडल, आगे करके दो सिलाई लगाएंगे। फिर से देखिए 1 2 3 जालियां यहाँ तिरछी ही बनेगी, और जालियां बनाने का जो ये तरीका है हमारा इसी तरह से होगा। यहाँ पे देखिए दो बन गए, एक और जाली चाहिए, तो 1 2 3 तीसरी नीडल को दूसरे में लेके फिर से ले जाएंगे, और जो नीडल पीछे हमारे ना आगे करके दो सिलाई और लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से जो हमारा ये पैटर्न है, एक बन गई, एक जाली ये रेडी हो गई, दूसरी ये वाली जो है वो ये तैयार हो गई। अब हमें एक और बनानी है, इसी तरह से बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे हम उसको। जब हमारे यहाँ पे 1 2 3 3 जाली हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जाली तो हमारी तिरछी बन रही है, इसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे देखिए ऐसे ही बनेगा बिल्कुल, और फिर इसके बाद जो ये जाली वाला फंदा है 1 2 या जाली वाले फंदे को काउंट करते हुए चलेंगे तो 1 2 3 तीसरे को ले लेंगे दूसरे में, और फिर यू हो गई, दो जाली बन गई। पीछे की जो नीडिल है आगे करेंगे और दो सिलाई लगाएंगे हम। ऐसे ही जैसे हम नीचे से बनाते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमको ये ऊपर के लिए बनाते हुए जाना है। अब देखिए जो हमारी ये खड़ी जालियां थी 1 2 3 1 2 3 तीन बन चुकी है। अब जो हमारी ये वाली जो रो थी, ये वाली जो जालियां जो हमारी चल रही हैं, इसको हम क्या करेंगे कि इसे हम यूं अपनी राइट हैंड साइड ले चलेंगे, और फिर हमारी लेफ्ट साइड में इस तरह की खड़ी जालियां आएंगी। तो देखिए ये जो हमारी तीन जालियां बन गई, इस बनने के बाद हमें क्या करना है, ये जो जाली है जाली का दूसरा फंदा लेंगे, जाली वाला लेंगे एक और उससे आगे का राइट हैंड साइड दो, दूसरा फंदा लिया और जाली के ऊपर हमने डाल दी जाली, ठीक है। जाली के ऊपर हमारी जाली पड़ गई, और इसके बाद का 1 2 3 तीसरा फंदा लेना है, और इस तरह से हम ले जाएंगे। अब पीछे जो नीडल है आगे करके दो सिलाई लगाएंगे। फिर इस जाली की जो ये हमारी राइट साइड की जाली है उसका हमें तीसरा फंदा लेना है, 1 2 3 तीसरा फंदा लेंगे हम दूसरे में, और इसे वापस तीसरे में ले जाएंगे। अब जो ये वाला है लेफ्ट साइड की तरफ जो हमारा फंदा है उसमें भी हमें यही करना है, 1 2 3 तीसरा फंदा लेंगे दूसरे में लेंगे हम इसे, और फिर वापस तीसरी नीडल में ले जाएंगे। जो पीछे है हमारी नीडल उसे आगे करके फिर दो सिलाई लगाएंगे। फिर से यही करना है हमको, हर बार हमें बस ऐसे ही रिपीट करते हुए जाना है। ध्यान ये रखना है कि ये हमारी जो जाली बन रही है ये सीधा ऊपर के लिए बनेगी जिगजैग में, और जो ये हैं ये सिर्फ तीन तीन, ये आपको इसमें तीन से ज़्यादा जाली बनानी हो तो आप बना सकते हैं इसमें। और ये देखिए जाली के फिर तीसरे वाला फंदा ले लेंगे हम, 1 2 3 तीसरा वाला फंदा लिया दूसरे में, और इस तरह से हमारी यहाँ पर तीन जालियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। ये देखिए और ये हमारी ऊपर के लिए ही बढ़ते हुए जाएगी। दो सिलाई लगाएंगे आप, तीसरी ले ली दूसरे नीडिल में और यूं बना दिया। अब यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई, अब हम यहाँ से दूसरी जाली स्टार्ट करेंगे। तो इस जाली के तीसरा वाला फंदा लेंगे, 1 2 3 तीसरा फंदा लेंगे हम यूं, इस तरह से पीछे की नीडिल हम आगे करके फिर दो सिलाई लगाएंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पे हमारी जाली ये यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई, अब इसके बाद ये ऊपर के लिए जाएगी, और ये जो जाली है हमारी ये वाली ये जाली है, ये तीन जालियां बनाने तक हम इसी तरह से बनाएंगे, और फिर यहाँ से हमारी नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट वाली जो ये जाली बन रही है ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से हमें बनाते हुए ऊपर के लिए जाना है, बिल्कुल जैसे हम नीचे से बनाते हुए लाए थे ऐसे हम ऊपर के लिए लेके जाएंगे, ठीक है। अब दो सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे, ये देखिए फिर ये हमारे ऊपर के लिए कंटिन्यू होती जाएगी। तीसरी जाली तीसरी जो नीडिल है उसका फंदा दूसरे में लेके फिर वापस हम से तीसरे में लेंगे, और यहाँ पे देखिए वन पहली, अभी पहली जाली बनी है, ये तो हमारी सीधी चल रही थी तो अभी हमारी यहाँ पे पहली बनी है, और ये जो जाली वाला फंदा है इसको अगर हम काउंट करते हुए चलेंगे तो तीसरा फंदा हमें लेना है दूसरे में, और दूसरा और तीसरा जो फंदा है वापस हम उसे तीसरी नीडिल में लेंगे। पीछे की नीडिल को आगे करके दो सिलाई लगेंगे, इसी तरह से हम ऊपर के लिए पूरा बना लेंगे। देखिए इस ये जो हमारी जालियां हैं तीन जालियां हमने यहाँ पे भी कंप्लीट कर ली हैं, और अब इसे इतना बनाने के बाद मैं इसे उतार के फिर हमें इस पर एम्ब्रॉयडरी किस तरह से करनी है, जो फ्लावर टाइप है ये हमें इस पर किस तरह से बनाने हैं वो मैं आपको बताती हूँ।
ये देखिए, ये है हमारा एंकर थ्रेड और कॉटन के होते हैं ये थ्रेड जो है। अब देखिए, हमें इस तरह की एक निडिल चाहिए होगी और ये जो है हमने इसमें एम्ब्रॉयडरी करनी है अपनी स्वेटर में। तो जितना आपको चाहिए होगा आप उतना इसमें धागा ले लीजिए। देखिए, इसमें हम मैंने जो है ये येलो कलर का थ्रेड ले लिया है। अब हम जो है इस पर स्टार्ट करेंगे। जो ये मैंने धागा लिया है ये मैंने डबल करके लिया है। देखिए, ये देखिए, इस तरह से हम जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो जाली वाला, जो ये हमारी जाली है, इसके आगे का जो देखिए यहाँ पे एक छोटा होल होगा, इसको हम ले लेंगे और इसके जस्ट ऊपर हमें ले जाना है यूं। और जहाँ से हमने स्टार्ट में ये निकाला था धागा, यहाँ पे यहीं पे हमें से निकालना है बाहर इस तरह से। यहाँ पे की जो दोनों फंदे हैं, धागे हैं, जो ये एक साथ होने, एक बराबर होने चाहिए। और इसे जो है आप ज़्यादा तेज हाथों से नहीं खींचोगे, मतलब हल्के हाथों से हमें ये करना है यहाँ पे। अब देखिए, ये होल है, इसके जस्ट नीचे वाला होल हमें लेना है अब, और यहाँ हमें इस तरह से ही निकाल लेना है इसको। बहुत ही हल्के हाथों से हमें करना होगा ये यहाँ पे। अब यहाँ पे इसकी साइड में इस तरह से। अब आप चाहे तो दूसरे कलर का यूज भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने इसे यहीं से फिर से निकाला, टाइट हाथ करेंगे हम। देखिए, जब अगर हमारा धागा खींचेगा तो इस तरह से हो जाएगा, तो इसमें धागा जो है हमारा खींचना नहीं चाहिए। अब ये हम ले लेंगे यहाँ पे इस तरह से। एक फ्लावर की शेप आपको यहाँ पे देनी है, या फिर आप इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पे कर सकती हैं, और कुछ भी जैसे बनाना जो आपको आता है, फ्लावर वगैरह। तो इस तरह से हम इसे यूँ कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हम बीड्स लगा के इसको और भी अच्छा लुक दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ और अगर आपको करना हो तो इस तरह से। जैसे ये हमारा ये कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे हमें अगर दूसरा कलर यूज़ करना है इसके कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पे भी हम जो है बिल्कुल डबल करके एक एक बार फिर यहाँ इस होल में और एक बार इस होल में डाल के इस तरह से उसे एक पत्ती का लुक मिल जाएगा या फ्लावर का लुक मिल जाएगा। अब दूसरी साइड हमें बिल्कुल ऐसे ही करना है। ये देखिए, यूँ ले गए हम इसको। ये धागा हमारा टाइट नहीं होना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना होगा। इसे यूँ ऊपर ले गए, जहाँ से हमने स्टार्टिंग में धागा निकाला है वहीं से फिर से लेके आएंगे, और यूँ बिल्कुल हल्के हाथों से करना होगा हमको ये। ये देखिए इस तरह से यहाँ ले जाएंगे फिर से इसे, उससे हल्के से नीचे एक होल में यूँ। जितना आपका धागा हल्का रहेगा, मतलब ज़्यादा हल्का भी नहीं करना है, लूज जो है हमें ज़्यादा नहीं करना है यहाँ पे धागा, और ना ही ज़्यादा टाइट। तो ये इस तरह से हो जाएगा। देखिए, इस तरह से जो है हमें जितनी भी हमारी जो ये जालियां हैं इनको हमें इसी तरह से फ्लावर में बनाते हुए जाना है। और इस तरह से जो है हमारा ये डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, और फिर फाइनल जो है वो इस तरह से बन के आएगा। यहाँ पे मैंने एंकर थ्रेड का यूज़ किया है, और यहाँ पे हमने जो है इसी ऊन का ही हमने यूज़ किया है। तो आपको जो ठीक लगे आप उससे इस पर एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो। अब देखिए, फाइनल जो है हमारा इस तरह से ये बन जाएगा। ये मैंने जो है वूल से इसको बनाया है, और ये कॉटन थ्रेड से। तो इनमें से जो आपको ठीक लगे आप वो बनाइएगा। ये देखिए इस तरह से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।